हिंदू चेतना मंच द्वारा रविवार को आजाद चौक से तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा से पूरे मंच के सदस्यों ने आजाद चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया। तिरंगा यात्रा निकाले जाने के दौरान मंच के सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जय घोष के नारे भी लगाए। इस मौके पर मंच के संयोजक रघुवंश हिंदू, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, सुमन, वर्षा चावला, अवधेश दयाशंकर सहित मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के संयोजक रघुवंश हिंदू ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा दूसरा चरण है। यह यात्रा चौरी चौरा, सरदार नगर, फुटहवा, तरकुला, नई बाजार, ब्रह्मापुर, ठेघाट सहित अन्य जगहों से होते हुए आजाद चौक पहुंचकर 12 जून को यात्रा का समापन होगा। उन्होंने बताया, देखिए ये विश्व का सबसे लंबा तिरंगा का प्रथम चरण पिछले 15 मई से 17 मई तक हुआ था, जो गोरखपुर शहर में चला था, और दूसरे चरण का प्रारंभ हुआ है आज से लेकर के 12 जून तक चलेगा। ये यहाँ से चौरी चौरा सरदार नगर होते हुए झंगहा की तरफ लगभग ये 8 दिन का तिरंगा यात्रा चलेगा। आपको इसके पहले भी हम लोगों ने सूचना दिया भी था, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि शहीदों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, संवैधानिक शहीद का दर्जा दिलाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, और पूरे पूर्वांचल से 11 लाख हस्ताक्षर हमें जुटाने हैं, 3 लाख हस्ताक्षर गोरखपुर जिले से जुटाने हैं। इस हस्ताक्षर अभियान और जागरूकता अभियान को लेकर के हम पूरे गोरखपुर जिले में पहले 5 चरण में यात्रा लेकर के चलेंगे, और ये यात्रा चल रही है। यहाँ से हम लोग मोतीराम अड्डा होते हुए शहीद स्थली पर जाएंगे, वहाँ पर आज विश्राम होगा, फिर कल शहीद स्थली से प्रारंभ होगा, और वहाँ सिद्धार्थ नगर होते हुए और चौरी चौरा सिद्धार्थ नगर होते हुए फिर फुटावा तरकुला देवी स्थान होते हुए, और पूरी यात्रा जो है कि लगभग 12 जून तक मतलब उस क्षेत्र में चलेंगे। उद्देश्य है कि आज़ादी के बाद हमारे जो मूल क्रांतिकारी थे जिनके कारण देश आज़ाद हुआ, उनको आज संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा तक नहीं मिला हुआ है, और पूरे भारत में अनोखा अभियान चल रहा है कि सारे शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाया जाए, और एक संवैधानिक सूची जारी हो, उस संवैधानिक सूची के तहत इनको शहीद का दर्जा जब मिलेगा, उसके बाद अगर इनको कोई देशद्रोही आतंकवादी कहता है, जैसे आपने देखा होगा 4 दिन पहले पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसा शर्म की बात है इस भारत में कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री है, और यहाँ पर जो कह रहा है कि वहीं का पर भगत सिंह है और उनको कह रहा है कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये बड़े अफसोसजनक बात है। इसी को लेकर के हम लोग पूरे पूर्वांचल में लेकर के चलेंगे, उसके मानने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम पहुँचेंगे।